हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, हमने जो वीडियो गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर, हेटरोट्रॉपिक्स मोड का बुक में 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, 4 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है, बट वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कह सकते हैं कि उसको डिफरेंट मोड में रखा जाता है। यानी मेनली जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं 3 होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोई। बट जो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। और स्टूडेंट, मैंने आपको कमेंट के थ्रू बताया भी है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा। स्टूडेंट्स, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसमें आएगा आपका म्यूटिलास्टिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चे जो बुक में दिया हुआ है यही न्यूट्रिशन दिया हुआ है, जो 4 टाइप्स में दिया हुआ है, म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, इस न्यूट्रिशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या जानते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, कैन बी डिफाइंड एज दिस इज द इंटरडिपेंडेंट विच न्यूट्रिशन होता है, इंटरडिपेंडेंट न्यूट्रिशन होता है, विच ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अपॉन इच अदर म्यूचुअली इज कॉल्ड म्यूटियलास्टिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि लाइकेन। अब लाइकेन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने इसको क्यों नहीं डिफरेंट, यानी कि मेनली 3 टाइप्स में क्यों नहीं इसको डिस्क्राइब किया, क्यों मैंने इसको अलग रखा? क्योंकि इसलिए अलग रखा क्योंकि इसमें जो लाइकेन है ये 2 ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक है। देखिए क्या है कि सिम्बायोटिक मतलब कि विच ऑर्गेनिज्म स्पेंड योर लाइफ विच डिपेंडेड म्यूचुअली इच अदर। देखिए स्टूडेंट्स, अब लाइकेन में जो लाइकेन से इसमें 2 चीजें होती है, एक होती है एल्गी और दूसरा होता है फंगस। क्या होता है? फंगस। तो देखिए, अगर एल्गी को हम देखें तो एल्गी सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा और फंगस हेटरोट्रॉपिक का पैरासाइट न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको डिफरेंट मोड में रखे हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को या म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन को, जो आपके बुक में 4 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये अगर इसमें से एक हट जाए, एक डेड कर जाए, तो क्या होगा? इस तरह का जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो कंप्लीट नहीं होगा। क्या होता है कि जो एल्गी होता है ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है? ये फूड प्रोवाइड करता है किसको? फंगस को। किसको प्रोवाइड करता है? फंगस को प्रोवाइड करता है। और जो फंगस होता है इस एल्गी को रहने के लिए जगह देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, वाटर और मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो ये यही म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन है या फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। लाइकेन्स को हम बोल सकते हैं लाइकेन, यानी कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर के अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फूड का फॉर्मेशन करता है, वो फूड कौन किसको देता है? फंगस को भी देता है। और फंगस क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए फंगस इसके रूट में नहीं रहेगा तो एल्गी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे बैक्टीरियाज लग जाएंगे या वाटर की वजह से चाहे ये सड़ जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के लिए क्या है? एक दूसरे पर म्यूचुअल डिपेंडेंट है और एक दूसरे को फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं राइजोबियम। राइजोबियम का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो राइजोबियम क्या होते हैं? आप देखे होंगे लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उसमें हम पी प्लांट्स को अगर देखें, किसको? पी प्लांट को। तो पी प्लांट का जो रूट होता है, रूट के अंदर देखे होंगे राइजोबियम पाया जाता है। ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? इस पी प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, क्योंकि ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, जिसमें जिससे दाल का प्रोटेक्शन होता है, पल्सेस की प्रोटेक्शन होती है, तो ये
प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन नाइट्रोजनस सब्सटेंस से होता है, नाइट्रोजन हेल्प करता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रोटीन होता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी का हेल्प होता है तो नाइट्रोजन का होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, इस लेगुमिनस प्लांट्स में, दैट मींस की पी प्लांट्स की रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और इन लेगुमिनस प्लांट्स जो होता है पी प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, और ये फूड किसको प्रोवाइड करता है, इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जिससे ये पी प्लांट क्या कर सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इस तरह से न्यूट्रिशन को, इस तरह का न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, एक पी प्लांट और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया और पी प्लांट दोनों एक साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से साथ क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सिम्बायोटिक, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या करते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस लाइफ को सिम्बायोसिस लाइफ अपना स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे पी प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ पे एल्गी और फंगस। तो स्टूडेंट्स ये एक तरह का डिफरेंट मोड ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट आता है एस्केवेंजर्स। एस्केवेंजर्स क्या होते हैं, एस्केवेंजर्स को हम कार्निवोर्स में भी पढ़ते हैं। तो एस्केवेंजर्स भी एक तरह का डिफरेंट मोड है। इसमें क्या होते हैं कि हमने सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट देयर ओन फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। बट हम देखें और होलोजोइक में भी देखा जाए कि होलोजोइक का अगर टाइप्स हम देखें, होलोजोइक का मोड का, तो ये थ्री टाइप्स होता है। एक होता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होता है, दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है ओमनीओरस। ठीक है, तो देखिए कार्निवोर्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, बट कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं वो डेड एनिमल के फ्लैश को खाते हैं। जो जो ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल के फ्लैश को खाते हैं उसे हम एस्केवेंजर्स बोलते हैं। यानी विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन या फीड देयर ओन फूड बाई अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डेड बॉडी, यानी कह सकते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, ये फूड ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कहते हैं एस्केवेंजर्स। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे वल्चर, जैकॉल्स, क्रो एक्सेट्रा। दूसरा होता है इंसेक्टाओरस प्लांट्स। इंसेक्टाओरस प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी देखा जाए तो एक कार्निवोर्स का ही मोड होते हैं, लेकिन यहाँ भी देखा जाए इंसेक्टाओरस प्लांट्स, यहाँ पे दो तरह का मोड है, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर इंसेक्टाओरस प्लांट्स को इंसेक्ट नहीं मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी लाइफ को स्पेंड करता है फूड बना करके। फिर दूसरी तरह से अगर इंसेक्ट मिल जाते हैं तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक का डिफरेंट मोड हो सकता है इंसेक्टाओरस प्लांट्स के अंदर। इंसेक्टाओरस प्लांट्स क्या करते हैं, वो इंसेक्ट के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, अब होलोजोइक का न्यूट्रिशन का अगर टाइप्स देखा जाए तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस होता है। तो हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रास और प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, गोट एक्सेट्रा। कार्निवोरस वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, जैसे टाइगर। तो टाइगर को टॉप कार्निवोर्स में रखा जाता है क्योंकि वो सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के को पहले मारता है कि उसको डेड करता है फिर खाता है। बट अगर उसकी जो बचा हुआ जो पार्ट होता है डेड एनिमल का, सड़ा हुआ जो पार्ट होता है, यानी कोई डेड एनिमल मर जाता है तो उसको लोग क्या करते हैं कि ला करके थ्रोन कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसकी बॉडी को कौन खाता है, उसकी बॉडी को खाते हैं वल्चर्स, जैकाल्स, क्रो। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम एस्केवेंजर्स बोलते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम एस्केवेंजर्स बोलते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देअर ओन फूड बाई प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर, दोनों से ये अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इसे कहते हैं ओमनीवोरस। तो स्टूडेंट्स ये रहा डिफरेंट मोड ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।